हेलो एवरीवन, मैं मोना ग्रोवर हेल्दी मिलेट बेकरी से। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि स्वांग के आटे का केक कैसे बनाते हैं, जो बहुत ही हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे कि आप मिलेट्स का केक बनाना सिखाओ, तो आज मैं बहुत ही इजी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और जो घर में ही सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं और हम इजीली उसको बड़े आसानी से हम उसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें उसके लिए जो चाहिए, आधा कप हमें स्वांग का आटा चाहिए, 1/4 कप तेल चाहिए हमें। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने जो लिया है वो नारियल का तेल है, और ये जो गुड़ शक्कर होती है वो मैंने ली है, ये जो है ये भी 1/4 कप मैंने ली है। 1/4 कप जो नारियल का बुरादा होता है वो मैंने लिया है, और ये पम्पकिन सीड्स और बादाम बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है, और ये अखरोट हैं ये भी बारीक कटे हुए हैं, और एक केला लेना है, और हमें ये 1/2 स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक जो मैंने केला लिया था इसको छील के मैं मिक्सी के जार में मैं इसको डाल दूंगी। केला हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो मिलेट्स होते हैं ना वो थोड़े ड्राई होते हैं, तो इससे क्या होगा, केले में एक मॉइस्चर होता है, और जब हम उसको केक में डालेंगे तो वो मॉइस्चर आएगा और केक हमारा सॉफ्ट बनेगा। तो अब क्या करूँगी, ये जो तेल था ये भी मैं इसके बीच में ही डाल दूंगी, और जो ये गुड़ वाली जैगरी पाउडर था ये भी मैं इसके साथ ही डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्सी में मैं ग्राइंड कर लूंगी। इसको मैं मिक्सी में डाल के इसका एक पेस्ट बना लूंगी। अभी पेस्ट हमारा रेडी हो गया है, इसको मैं बाउल में निकाल लूंगी। स्टील की ऐसे छानी लेनी है, और ये जो आटा था ये मैं इसमें डाल दूंगी, और ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी इसके बीच में ही डाल देना है, ताकि ये जब हम इसको छाने तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। छानने से क्या होगा कि इसमें हवा भर जाएगी और केक हमारा फ्लफी बनेगा, और ये वनीला एक्सट्रैक्ट को भी मैं इसमें डाल दूंगी, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो नारियल का बुरादा है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि एक तो इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो नारियल का होता है। अब मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून इसमें मैं ये पानी डाल रही हूँ, बस इतना ही पानी जाएगा, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना, नहीं तो क्या होगा ना कि इसका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा और केक आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये जो बारीक अखरोट हमने काट के रखे थे ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूंगी ताकि ये सारी जगह फैल जाए। ये मैंने टीन ले लिया है और बटर पेपर को इसी के साइज का मैंने काट लिया है और बीच में रख दिया है। अब मैं ये जो तेल है इससे इसमें अच्छे से मैं लगा लूंगी ताकि जो केक है हमारा वो ना चिपके। तेल हमारा लग गया है, अब मैं इस बैटर को इसमें टिन में डाल दूंगी। ये जो कटे हुए बादाम और पम्पकिन सीड्स हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी।
इससे हमारा केक भी सुंदर लगेगा और हेल्दी भी रहेगा। अब हमने क्या किया, ओटीजी को मैंने पहले से ही 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तो अब मैं, और ये देखो बेक पे मैंने इसको लगाया है और 180 डिग्री पे मैंने इसको रखा है। अब इसको मैं 35 से 40 मिनट के लिए अवन में रख रही हूँ। अब 45 मिनट हो चुके हैं और मैं अवन मैंने बंद कर दिया है और एक बार हम इसको निकाल लेंगे। ये देखो, ये हमारा केक अच्छे से रेडी हो गया है। एक बार हम इसको निकाल के चेक भी कर लेते हैं। ये टूथपिक ली और ये बीच में डाली और ये देखो, ये बिल्कुल क्लियर है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। चाकू लेकर साइड से हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। तो हम ये प्लेट को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखो, केक ने अपनी जगह छोड़ दी है और बिल्कुल भी नीचे से चिपका भी नहीं है। और ये इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखो, अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको काट के सर्व कर लेंगे। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ ठंडा होने के लिए। अब मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल सॉफ्ट ये बना है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। और अब ये केक हमारा बनके रेडी है और आप इसको ट्राई जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।